इस वीडियो में आप देखने वाले हैं उन बच्चों को जो बी एकलव्य में स्टडी प्रोसेसिंग किस प्रकार करते हैं, अपने चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद हर लाइन का पिक्चर बनाते हैं। तो उनके पिक्चर्स आप देखिए किस तरह से लाइन टू लाइन उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई है, और इसके बाद वो अधिकतम क्वेश्चंस बनाते हैं और इसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बच्चों को चैप्टर बनाकर एक्सप्लेन करते हुए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, टॉपिक को पढ़ें, उसके मैक्सिमम पिक्चर्स बनाएं और मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाएं और इसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, तो आपको रिवीजन करने की या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टुडेज माय टॉपिक्स आर नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सो सर, फाइबर पॉलीमर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। एंड जो कॉटन, वूल और सिल्क होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। जैसे जो कॉटन फाइबर होता है वो बनता है नेचुरल पॉलीमर से, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं। एंड जो सेलुलोज होता है वो एक पॉलीमर होता है जो बनता है बहुत सारे नंबर के छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से, जो एक साथ जॉइंट हो जाते हैं एक दूसरे से। और जो वॉल होती हैं प्लांट सेल्स की, वो भी सेलुलोज से ही बनती हैं। एंड जो वुड होती हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं, वो कंटेन करती हैं सेलुलोज अमाउंट। सो जो पॉलीमर्स जो होते हैं वो हमारे नेचर में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उसे वुड कंटेन करती है। एंड जो नायलॉन होते हैं, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, बैकलाइट और मेलामाइन जो होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, और हम उन्हें मैनमेड पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। जैसे जो नायलॉन फाइबर होता है वो बनता है नायलॉन पॉलीमर से, जो पर ये सिर्फ एक तरह से भी बन सकता है और दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से भी बन सकता है, जो कंबाइंड हो जाते हैं एक साथ एक लॉन्ग, बहुत लंबी चेन बनाने के लिए। और जो सिंथेटिक होता है उसका मतलब होता है कि वो ह्यूमन बींग से बना हुआ है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो इसे हम सिंथेटिक कहते हैं। एंड द क्वेश्चंस आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, व्हाट आर द नेम ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, विच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर कॉटन, वूल एंड सिल्क, what is the name of a polymer which made a cotton fiber, which natural polymer made of cotton fiber, what is cellulose, the walls of all the plant cells are made up of, who contains a large amount of cellulose polymer, where the polymer occurs to, which type of polymers are nylon, polyester, acrylic, polyethylene, PVC, bakelite and melamine, which polymer made of nylon fiber, What is the means of synthetic? इसका मेरा टॉपिक है इंग्लिश का 7th चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, और इस चैप्टर के ऑथर हैं ओ हेनरी। तो फर्स्ट सीन में जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो है जॉन्सी और स्यू, जो दोनों एक आर्टिस्ट हैं, और वो एक स्मॉल से फ्लैट में रहते हैं, और वो फ्लैट एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे है। फिर वो बताते हैं कि नवंबर में जो जॉन्सी होती है वो बीमार हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। तो उसके साइड में एक विंडो होती है जिससे वो मतलब बाहर देखती रहती है, तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। और हर रोज़ उनके घर में एक डॉक्टर आता है, जो उसकी जो फ्रेंड है स्यू, उसने अपॉइंट कर रखा है। लेकिन वो जो डॉक्टर आता है वो रोज़ बताता है कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये ज़्यादा बेटर नहीं हो रही है पहले से, जैसे ये पहली थी वैसी इनकी कंडीशन अब है। तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है क्या इसे कोई टेंशन है या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर जो सू है वो आंसर देते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर जो डॉक्टर है वो बताता है कि शायद इसे कि शायद ये बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके मतलब चिंता में है, तो फिर आप इसकी चिंता दूर करने की कोशिश करो। उसके बाद जो सीयू होती है वो उसका चीज़ों में इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रही किसी भी चीज़ में, तो मतलब ये जीना चाहती नहीं है, इस वजह से इसकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही। तो सीयू उसका चीज़ों में इंटरेस्ट बनाती है, जैसे कि वो आर्टिस्ट थी तो वो बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, तो फिर जो सीयू होती है वो उसे बहुत सारे क्लोथ्स और फैशन के बारे में मतलब दिखाती है, क्लोथ्स वगैरह, क्योंकि गर्ल्स को ये नॉर्मली बहुत पसंद होते हैं।
तो फिर ये इंटरेस्ट बनाने की उसमें कोशिश करती है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। तो फिर जो जॉन्सी होती है वो इस पे कोई रिप्लाई नहीं करती, कोई रिस्पोंड नहीं करती, वो आराम से वैसे ही लेटी रहती है जैसे वो पहले थी। उसके बाद जो स्यू है वो कुछ और करने की कोशिश करती है, तो फिर वो उस रूम में एक जो पेंटिंग बोर्ड होता है वो उसे ले आती है, क्योंकि वो आर्टिस्ट थे, तो वो पेंटिंग ले आती है और वो उसके साथ ही मतलब वहीं बैठ के पेंटिंग करना शुरू कर देती है। और वो पेंटिंग करते करते विसल करती है, क्योंकि ये उसकी एक आदत थी। उसके बाद एक दिन जो जॉन्सी होती है वो एक दिन मन ही मन में विस्पर करती है 12, 11, 10, 7 ऐसे। और जो उसके बाद सी होती है वो एकदम से भागी भागी आती है और वो वहां पे उसके पास चली जाती है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, तो फिर जो जॉन्सी होती है वो बताती है कि बाहर एक लीफ है जो बाहर वॉल पे चिपकी हुई है, और वो बहुत ज्यादा स्टॉर्म वगैरह चल रहा है हवा, तो वो उड़ भी नहीं रही। उसके बाद एक दिन जॉन्सी दोबारा बोलती है 6, तो फिर वो कहते हैं कि अब जो लीव्स हैं वो बहुत तेज तेज गिरने लगी हैं। फिर वो पूछती है स्यू की क्या हुआ। Sunny, can you explain in English after this? यस सर। सर देन जॉन स्यू सेज दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम, दैट व्हाट इज इट, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट 6, 5। एंड देन जॉन्सी सेज दैट अगेन 5। ही सेज दैट 3 days before also there were 100 leaves, but now because of this much storm and windy day and rainy day, now there are only 5 leaves left. Then she says that it is the season of autumn, and when the last leaf will fall, I will die. This was such a nonsense told by John C. So Sue answers that, oh, this is all nonsense. You will get better. You will not die if the last leaf will fall. Then, the Sioux offers him the soup, but Jhonsi didn't want to drink it. She says that, no, I don't want the soup because I'm not hungry. I just want to see the last leaf before it gets dark. And then she says that it's 4 now. Now the 4 leaves are left. And then she says that when the last leaf will fall, I will sleep forever. Sir, then just Sue gets on the bed of John C. And then she says that now I cannot just close the curtains because I have to paint. And if I close the curtains, the light will not be able to come there. So she just open it and she says to John C that to promise me that you will not see out of the window, otherwise I will not talk to you. She says this. Then the John C says that okay, I'll not look the window. Then Sue says that I will paint now and I will just collect money because I have to get some food for you, some food, fruits and vegetables and soup as well. So she says that now I will go to Mr. Behrman and I will take him as my model and just paint. Then the Sioux says that I will when the last leaf will fall, I will die. She says this again. So she says that just finish your painting as soon as possible, because I will also die like these peaceful leaves, like they're dying. So then the Sioux says that you just leave and don't talk about all this nonsense. Now I'm going to paint to Behrman's house. I will draw the drawing of a miner. Then the Beh Mr. Behrman lives on the ground floor, and he was 60 years old, and his dream was to make a masterpiece painting that was famous all along the world. Then Sue goes to the house of Mr. Behrman. She tells everything that what John C is saying.
And then he answers that this is all stupid. Why she is being so foolish? I will come to your house and then we'll talk about this. John C just tells everything that John C is saying about that she will die when the last leaf will fall. Then when Behrman comes to their house, they both come very tiptoed. Then from there, they comes to the room of John C and they just draw the curtains side so that they can just close the curtains. Then they open the window and they go to the another room and Sue just see, tell to Behrman that you see, this is the last leaf which is left now. But Behrman didn't said anything and just went his home. That day, in the morning, John C. says that just draw the curtains because I want to see the last leaf. And when Sue just draw the curtains, there was only one leaf left there, which was very green and healthy. So she became very excited and she was very energetic now that the last leaf is there yet. She says that I think the last leaf would have fallen, but it didn't fall because I thought it because last night was very windy, stormy, and the rain was also there. So she says that, so today this leaf will fall and today I will die. So Sue replies that, no, nothing will happen to you. You have to live for your friends. And if you will die, what will happen of me? Then every hour, John C. just sees out of the window that is the last leaf there or not. And every evening, she again sees that. Then she, in the evening, she says that, I'm a bad girl. I didn't thought about you that what will happen to you if I will die. Then she became very good now. She was thinking about everyone, not for just himself. Then Sue hugged him and gave him a lot of soup so that she can get better, a mirror and a comb so she can just dress up well and be in a presentable way. Then the doctor came in the evening and the doctor just came and said that now she will recover very soon because now she is having a good willpower. The doctor said that now I'll go downstairs because Mr. Behrman is also got a pneumonia and now I have to check up. Next morning Sue comes to John C's room. And he gets in hands each other. And she says that, I want to tell you something. She said that Mr. Behrman is now no more. He had died and he was ill for 2 days. The janitor, the person who sees the building that it is good or not, that is a janitor. The janitor saw Mr. Behrman one day before and he was very wet and shivering. Because the clothes and shoes were very wet and he had gotten away in the stormy night that out. Then in the room of Behrman, there was a stair, a lamp, two brushes were there and green and yellow color was there on the floor. It means that he had painting something. Then Sue says to John C., that now as you have gotten well, Nat, now I should tell you that Mr. Behrman has painted the last leaf that night because that night the leaf had fallen. So he doesn't want that your confidence also falls. That is why he made this masterpiece and it was looking like a real leaf. And this was his masterpiece and his dream has now gotten true. But he's dead now. So the questions of the chapter are, who shared a small flat, on which floor Sue and John C used to stay, in which month John C fell sick, which disease she was having, why John C's condition was not changing, how Sue was making John C's interest, what does Sue do while painting, what does John C suddenly whisper,
What was John C. Looking out of the window? How many leaves were on the old heavy creeper 3 days before? What was Sue and John C.'s profession? Who looked after John C.? Which season was going on? What was the nonsense said by John C.? Why John C. was not drinking the soup? Why Sue cannot draw the curtains? What was the promise given by Sue? Why did Sue go to Beherman? Who was Beherman? What was his dream? What did Beherman do to save John C.? What was Beherman's masterpiece? Sanvi, very nice, beta. Shabash. Thank you, sir. सब इसमें पहले मैंने दिखा रखा है कि सबसे पहले एक कथिवकम यानी कथिवकम एक चेन्नई में गांव का नाम है जहां से एक ट्रेन आती है और ये चेन्नई चेन्नई के स्टेशन पर छोड़कर चली जाती है जहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है वेलू वो बेंच की तरफ जाके बैठ जाता है अपने घुटनों को ऊपर करके और तभी वहां पर एक रैग एक लड़की आती है जो कि रैग पिकर का नाम काम करते हैं रैग पिकर वो होते हैं जो कि कचरा बीनते हैं यानी कचरा उठाते हैं उसके बाद वो उससे कहती है कि मेरा नाम है जया तुम क्या कर रहे हो तो वो कुछ जवाब नहीं देता तो वो कहती है मत दो जवाब फिर मैं वो चली जाती है तो वो लड़का सोचता है कि अभी मेरे पास कोई काम नहीं अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो काम मिल सकता है तो उसके बाद वो उस बेंच जिस बेंच पर वो बैठा था उस पर पैर रख के उसे देखता है और वहां से कूद के उसके पीछे पीछे भागता है और तभी वहां से वो मेन रोड से गुजर रहा होता है तभी वो देख के हैरान हो जाता है कि वहां पर गाड़ियां चल रही है उसके लिए कोई नहीं रुक रहा वहां पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन होता है तो जैसे ही वो जा रहा होता है तभी एक कार सामने से आती है और उसे उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि इतने में वो जो जया होती है वो लड़की वो उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरी साइड धकेल लेती है और फिर वो उसे डांटती है कि अब के बार से कभी भी इस साइड मत आना फिर वो लड़का कहता है कि मैं तेरे साथ ही चलूंगा तो फिर वो दोनों एक मतलब जा रहे होते हैं एक बिग बिल्डिंग के सामने से जो कि होता है एक मैरिज हॉल उसके बाद वो दोनों जब पहुंचते हैं तो वहां पे जा पे पहुंचते हैं वहां पे घर होते हैं जो कि बने होते हैं जैसे मेटल शीट्स लोहे का होता है और टायर्स के प्लास्टिक के एंड अदर थिंग्स एक्सेट्रा उसके बाद वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ ये थैला उठाओ और मेरे साथ काम पर चलो तो उसके बाद वो चलते चलते काम पर जा रहा था तब वो अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है कि क्यों वो आया घर पर वहां पर तो वो बताता है कि वो वहां पर जब रहता था कथिवकम भेदभाव में तब वो हमें वो काम करता ताश चलाता था वो और उसकी बहन और उसके जो पापा होते थे वो उसे छीन कर ड्रिंक मतलब ड्रिंक में स्पेंड कर देते थे और उन्हें बहुत ज्यादा मारते थे और इसीलिए एक दिन वो घर छोड़कर आ गया उसके बाद जो वेलू होता है वो अपना पेट पकड़ लेता है जब भूख लग रही होती है तो जो जया होती है वो कहती है मेरे साथ चलो साइड में तो वो जाते हैं एक गार्बेज बिन के पास से उन्हें एक स्क्विशी बनाना यानी पिचका हुआ एक केला मिलता है और एक बड़ा मिलता है तो वो दोनों उठा के खाने लग जाते हैं तो जो वेलू होता है वो देखता है कि उसको नहीं खाना होता और जया बोलती है कि खा लो और कोई चॉइस भी नहीं है इसलिए वो जल्दी से उसे खा लेता है पर वो चबाता नहीं गिटक जाता है जिससे उसे थोड़ा आराम तो मिलता है पेट में उसे केला भी खाना होता है पर वो खा नहीं पाता क्योंकि जया उसे खा जाती है और फिर वो खुशी खुशी काम करने लग जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था काम करने के क्वेश्चन बनते हैं वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप ट्रेन कहाँ पर रुकी थी व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय उस लड़के का क्या नाम था व्हाट वाज द नेम ऑफ द गर्ल लड़की का क्या नाम था वेयर डिड द बॉय लिव लड़का कहाँ पर रहता था वेयर डिड द गर्ल लिव
लड़की कहाँ पर रहती थी? What did the girl, selfish or helpful? जो लड़की थी वो selfish थी या फिर helpful थी? What did the girl do? जो लड़की क्या वो लड़की क्या करती थी? Did Velu ready to do work? Velu तैयार था काम करने के लिए. Did the girl is brave and sensitive? क्या जो लड़की है वो brave and sensitive थी? Who live in huts? Huts में कौन रहता है? What materials of hut are made up of? जो huts है वो कौन किस किस चीजों के बने हुए हैं? What did the Velu's father do with him? जो वेलू के फादर होते हैं वो उसके साथ क्या करते हैं? What did the children get to eat? बच्चों को क्या खाने के लिए मिलता है? The work of rag picker is good or bad? जो रैग पिकर का काम होता है वो अच्छा होता है या बुरा? Is वेलू happy to do work? तो वेलू है वो काम करने के लिए खुश है अभी नहीं? Where did the वेलू see? जो वेलू होता है वो कहाँ पर बैठता है? Who helped वेलू to find job? Find work? वेलू को काम दिलाने में कौन मदद करता है? Is वेलू crying? क्या वेलू रो रहा था? Is Jaya crying? या फिर जया रो रही थी? What is the age of Jaya and वेलू? जय और वेलू की क्या एज होगी? Is वेलू a smart boy or not? तो वेलू है वो एक स्मार्ट बॉय है या फिर नहीं? सर ये क्वेश्चन थे. हेलो सर, मैं सुनाऊं? तो प्रीतम आपके पास लिंक आया होगा, देखो उसको क्लिक करो, दूसरे रूम में आ जाओ. पार्थ मित्तल आप सुनाइए. रेडी हो गया है? हैंडेज कर दीजिएगा जिनका रेडी हो गया. हेलो सर जी, बताइए पार्थ. नमस्ते सर. कृष्णा एक सेकंड. हाँ बात सुनाइए. बहुते गुलाब रोज मिट्टी सोयल गमला वाच बोट अनार नाविक नदी रिवर मछली फिश. मुझे जो किताब में लिखा आप देखो. रॉकी रॉकी स्विमर स्विमर गुलाब क्या करता है? What does rose do? नदी का क्या? नहीं कटाई. मिट्टी का क्या यूज है? What is use of soil? गुलाब का गमला का क्या पर्याप्त है? प्रयोग है. What is arch of watch? नाव का क्या पर्याप्त है? पर्याप्त क्या होता है? प्रयोग होता है. प्रयोग है. What is use of wood? नाविक क्या करता है? What boat is does a sail do? नदी क्या है? What is a river? My topic is finished. बहुत बढ़िया पार्थ, ने शानदार सुनाया, शाबाश. सर मैं सुना दूं? हाँ सुनाइए. सर मैं क्वेश्चन देख बना रहा हूँ. हैं? सर मैं क्वेश्चन देख बना रहा हूँ. हाँ बढ़िया बना रहे हो भाई.
नमस्ते कृष्णा, सर मैं जा सकता हूँ? हाँ प्लीज कर लो। ए फॉर एप्पल, एप्पल की पहली होती है ए डबल पी एल ई। बी फॉर बनाना, बनाना की स्पेलिंग होती है बी ए एच एन एन ए एच एच नहीं एन एन एच नहीं ए बनाना बनाना नहीं हुआ। बनाना की क्या स्पेलिंग हुई दोबारा बताओ। डी ए एच एन है एन एन नहीं ए एन एन फिर से बताओ। बी ए एन ए एन ए ए बनाना बनाना। ओवल ऑरेंज, ऑरेंज की स्पेलिंग होती है आर ए नहीं वो कहाँ गया ओ आर ए ए एन एन वाई जी है जी ई। फिर से बताओ ये क्या है। ऑरेंज, अरे ये ई ई तो क्या था ओ आर ए एन जी ए ई ऑरेंज। ऑरेंज मैंगो, मैंगो की स्पेलिंग होती है एम ए एच जी ओ। एच कहाँ है? एच स्पेलिंग क्या होती है मैंगो की? होती है एम ए एच ये एन है एन जी ओ। अभी क्या है? पी फोर क्या है? पेयर, और एन दोनों एक साथ बनाकर उनके डिफरेंस क्लियर कीजिएगा। पेयर मींस क्या होता है? पेयर मींस नाशपाती। ठीक है। एस फॉर स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग होती है एस टी आर ए डब्ल्यू ई नहीं डी बी ई B E double R double R Y Y फिर से बताओ। फिर से बताओ ये F E R A W D नहीं है B E डबल आर वाई। जी वो ग्रेप, ग्रेप की स्पेलिंग होती है जी आर जैसे ये लिखा है ना आपने ग्रेप्स इंग्लिश में, इसके नीचे यहाँ पर आना चाहिए ग्रेप्स हिंदी में गौ नीचे रॉ ए आधा पौ सौ ये हो गया ग्रेप्स यानी इसका इस प्रोनाउंसिएशन। फिर डैश होना चाहिए अंगूर, तीनों चीज आनी चाहिए चार चीज यानी पिक्चर इंग्लिश स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन हिंदी में और इसका मीनिंग चार चीज एक साथ और चारों चीजें क्लियर होती जाएंगी। आगे ये क्या है? सी फॉर चेरी, चेरी सी फॉर चेरी, सी फॉर चेरी, सी फॉर चेरी। चेरी किस किस्म होती है? सी एच ई आर डबल आर वाई चेरी। ठीक है आगे क्या है? सी फॉर पोमिग्रेनेट,
ओमेगा की स्पेलिंग होती है पी ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई क्या होता है पाइनएप्पल पाइनएप्पल की स्पेलिंग होती है पी आई एन ई ए डबल पी एल ई पाइनएप्पल मींस अनानास अनाना डब्ल्यू फोर वाटरमेलन की स्पेलिंग होती है डब्ल्यू ए टी पी आर एन ई एल ओ एन वाटरमेलन मींस तरबूज पी फोर पपाया पपाया की स्पेलिंग होती है छोटी सी होती है पी ए पी ए और वाई ए पपाया मींस पपा पपीता पर कैसी लगी बहुत बढ़िया लगी बहुत ही शानदार सुनाया आपने शाबाश